मेरे YouTube चैनल मिस्टर योग गुरु पे। आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताऊंगा जो आपकी कमर का दर्द और आपकी पीठ का दर्द खत्म कर देता है और आपकी पीठ को सीधा भी कर देता है। कुछ लोगों को कान की वजह से पीठ में झुकाव हो जाता है और कुछ की कमर भी मुड़ जाती है। मेरे वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी परेशानी महसूस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगर आपको यह वीडियो गंदा लगे तो आप प्लीज इसे डिसलाइक कर दें और इसकी वजह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बेसिकली इसमें हमें वज्रासन में बैठना है, उसके बाद अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपनी पीठ में रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हमें वज्रासन में बैठना है, उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने उसके बगल में रखें और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ पीठ में नमस्कार की मुद्रा में रखें। और अगर आपको इस आसन को करने में कठिनाई हो रही है, आपका नमस्कार की मुद्रा सही नहीं बन रही है, तो आप अपने हाथ को पीछे की तरफ पुश करें। आगे की तरफ पुश करने में आपको कठिनाई होगी, आप पीछे की तरफ पुश करें। अब मैं आपको पीछे की तरफ मुड़ के दिखाता हूँ कि यह कैसे होता है। यह आसन करते वक्त आपको अपनी सांसों को नॉर्मल रखना है और आपकी पीठ का दर्द इस आसन को करने से खत्म हो जाता है। इस आसन को करते वक्त अपने हाथों का ध्यान रखें। मैंने जैसे बताया है वैसे ही करें इस आसन को। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ यह आसन आपको अच्छा लगा होगा।